नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। देश की राजनीति में जिन युवाओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है उनमें तेजस्वी यादव का नाम भी शुमार है। अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभा रहे हैं। हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव में उन्होंने साबित भी कर दिया है कि उनमें नेतृत्व क्षमता भी कमाल की है। अब जब इतनी सारी खूबियां हों और युवा हों तो स्वाभाविक सी बात है कि तेजस्वी यादव की शादी की चर्चा भी जरूर होगी। अपनी शादी को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी कुछ शर्तें हैं। इसमें सबसे पहले वे अपने कुछ बड़े भाइयों की शादी हो जाने देना चाहते हैं। वैसे तो उनके बड़े भैया की लिस्ट में सबसे पहला नाम तेज प्रताप यादव का है, लेकिन यहाँ उन्होंने तेज प्रताप का नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नाम लिया है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं और इसके बाद उनके अपने भाई तेज प्रताप यादव हैं। गौरतलब है कि निशांत को छोड़कर चिराग और तेज प्रताप फिलहाल राजनीति में हैं। तेजस्वी के बयान से माना जा रहा है कि शादी को टालने का एक बहाना है। फिलहाल उन्हें भी मालूम है कि जब तक उनके पिता लालू यादव जेल में बंद हैं तब तक उनके घर में इस मुद्दे को लेकर बात करने वाला कोई नहीं है। इससे पहले भी तेज प्रताप की शादी को लेकर भी चर्चाएं अक्सर होती हैं। लाइव सिटीज़ के लिए रज़िया अंसारी की रिपोर्ट। बिहार और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइव सिटीज़ से जुड़ें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। फेसबुक पर हमारे लाइव सिटीज़ के पेज को लाइक करें और खबरें शेयर भी करें।